महाजन पद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। बागेश्वरी वंदना मंदिर गोर तिमिर दुख ताता। अंग महाजन पद तब वंदन शुभ संस्कृति उद्गाता। कहीं गाँव में एक प्रोग्राम दूसरे तरह की जाना है, बहुत व्यस्त है, 11 बजे भी पहुंचना था लेकिन अभी कुछ देर है जो पहुंच जाएंगे हैं। और माँ सरस्वती की कृपा से हमारे भागलपुर तिलकामणि विश्वविद्यालय का कुलपति महोदय जब से ज्वाइन किए हैं, दिन प्रतिदिन दिन दुना रात चौगुना में हमारा विकास हो रहा है। हम इनसे आग्रह करेंगे इसी तरह आप अपने कर्मों से अपने कार्यों से इस विश्वविद्यालय को विकास महामारी में हम जब से सांसद बने तो कोरोना काल आ गया और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री के राहत कोष में 22 तक का फंड दे दिया गया है। 22 के बाद अगर ये फंड आएगा तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती की विद्या के मंदिर में लिख दूंगा। मैं आपसे बात करता हूँ। 22 चांसलर मैडम से बहुत हम लोग उम्मीद पाले हुए हैं। मैं इसी यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ। TNB कॉलेज से मैंने इंटर किया, इसके बाद हम मेडिकल में चले गए। लेकिन चूंकि ये मेरा मातृ यूनिवर्सिटी है तो इससे बहुत लगाव रहता है। यहाँ के सारे कार्यक्रम में मैं आता हूँ और जो अच्छा या बुरा कुछ खामियां और कुछ प्रशंसा की बात होती है हम लोगों के बीच शेयर करता हूं। जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा उपयोग है। अगर कुछ बायोलॉजिकल पहलू को हम देखें तो हमारा शरीर जो माँ बाप से लेता है, जो माँ बाप का हमारे में आनुवंशिक गुण है उससे मेरा शरीर का निर्माण होता है। समाज, जिस समाज से हम आते हैं, जिस परिवार से आते हैं वो हमें विचार देता है। लेकिन ज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो विद्यालय और महाविद्यालय है। 62 वर्ष में ये चल रहा है और मुझे ये देख करके जब मैंने बोर्ड अपने कार्यालय में देखा कि मैं भी इसके बाद से 62वीं कुलपति यहाँ पर बनकर आई तो ये कैसा एक संयोग है कि कहाँ 62 वर्ष यहाँ पर मिले थे और कहाँ 62 ही कुलपति आ गए। ये थोड़ी सी गर्व की बात है क्योंकि जहाँ कानपुर विश्वविद्यालय में थी वो इससे 6 साल जुड़ी है। ये वो विश्वविद्यालय वो 1966 में बना था और वहाँ मैं 25वीं कुलपति थी। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि इस विश्वविद्यालय को कुछ ज्यादा ही कुलपतियों का स्नेह मिला है जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ अवश्य ही किया होगा। और उन सब के जो नाम मैं अपने कमरे के बोर्ड पर देखती हूँ उन सभी को नमन करती हूँ, उन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय के लिए आज जो हम परिसर देख रहे हैं, आज जिस परिसर का हम आनंद दिखा रहे हैं, आज जिस परिसर में हमारे पास इतने पाठ्यक्रम है, आज जिस परिसर में हमारे पास इतने शिक्षक है, आज जिस परिसर में हमारे पास इतने कर्मचारी बन है, वो सभी उन्हीं के सहयोग से पल पल करके ईयर आफ्टर ईयर ये बढ़ते ही चलेगा। ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम सभी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और जब भी जल दिवस होता है चाहे हमारे बच्चों का हो, चाहे हमारे स्पाउस का हो, चाहे हमारे पेरेंट्स का हो, चाहे हमारे भाई बहन का हो, हम लोग सभी बहुत उल्लासित होते हैं कि आज तो जन्मदिन है। और ये तो मैं कहूंगी हमारे गेस्ट महोदय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने केक का आयोजन किया, हमने केक काटा और कहा हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ गया और इसी के साथ मुझे तो मात्र सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, मुझे तो मात्र इस विश्वविद्यालय में सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि इस विश्वविद्यालय से मुझे बहुत लगाव हो गया है। एलुमनाई एसोसिएशन को रजिस्टर कराएंगे और जो NAC मेरा जो टारगेट है वो NAC है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे पूर्व कुलपति रामेश्वर यादव ने इसका पहली बार मूल्यांकन कराया, शायद बिहार में पहला मूल्यांकन हुआ और हमें सी ग्रेड मिला। प्रोफेसर आर एस दुबे ने इसका दूसरा मूल्यांकन मिला और वो सी से बी पर उसको ले आए। अब हम तीसरे मूल्यांकन की तरफ जा रहे हैं और आप स्वयं भी समझ गए कि अब हमें बी से ए में जाना है और ये भी हमें करके दिखाना है। जब इरादा कर लिया हमने, हमें उसे करके दिखाना है, हमें उसे पूरा करना है। पूरे बिहार का सारा कॉलेज, उड़ीसा का सारा कॉलेज और यहाँ तक कि नेपाल का सारा कॉलेज आपके पटना यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। फिर 1952 में इसमें बदलाव आया और पटना यूनिवर्सिटी में से बिहार यूनिवर्सिटी पटना का जन्म हुआ। पटना यूनिवर्सिटी को रेसिडेंशियल एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाया गया और शेष बिहार के सारे कॉलेजों को बिहार यूनिवर्सिटी पटना में डाल दिया गया और ये चलता रहा। और फिर 1960 की बात है कि हमने पढ़ा है एक जगह कि यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे उनका एक संबंध भागलपुर में हुआ था मुक्तेश्वर बाबू के यहाँ और यहाँ के बुद्धिजीवियों ने समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने उनसे आग्रह किया कि भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी हो और इसके लिए इन लोगों ने प्रयास किया। राजेंद्र बाबू सिंगे और राजेंद्र बाबू एक बहुत ही संयोग था कि यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी भागलपुर ही डिवीजन में थे और उनसे राष्ट्रपति जी ने बात किया और दोनों ने मिलकर सहमति दिया और भागलपुर यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। यह शिक्षा, शोध, सेवा, साधन, साहित्य, संस्कृति एवं संस्कार निर्माण की सत्पति के विकास हेतु दानवीर कर्ण की पावन धरती पर महान बुद्ध की आध्यात्मिक प्रेरणा से पतित पावनी गंगा के तट पर इस संस्था की स्थापना 12 जुलाई 1960 में की गई, जिसका नाम रखा गया भागलपुर विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय 61 वर्षों से सतत अपने उद्देश्य की पूर्ति के पथ पर अग्रसर है। 32 वर्ष तक यह विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता रहा, जो अब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में आज तक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम 1991 के आलोक में 3 अगस्त 1992 में इनका नाम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सपूत तिलका मांझी की पुण्य स्मृति में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। स्थापना काल से लेकर अब तक इसने न जाने कितने तेजस्वी छात्रों के साथ साथ शिक्षकों एवं अधिकारियों को पैदा किया और आगे भी करता रहेगा। अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपने देखना है तो ऊंचा देख, सपने देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। और ये अंतिम पंक्ति माननीय कुलपति महोदय को समर्पित है।
अंत में आप लोग ताली बजाएंगे, तू कुछ करके दिखा इस तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को, तू कुछ करके दिखा इस तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। आइकॉन थे हमारे और आज भी बने हुए हैं एक शाश्वत कुलपति के रूप में। रामाशंकर दुबे जी, उनका भी कार्यकाल बड़ा ही बेहतर रहा। एक मौन क्रांति से इस विश्वविद्यालय में आई और शैक्षणिक वातावरण में अजीब सा परिवर्तन करके चली गई। आज भी जब हम उन्हें याद करते हैं तो अपने को आह्लादित महसूस करते हैं। ये सब अभी अभी आपने देखा कि कई ऐसी चीजों को जो हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, संयोग से हमें वर्तमान कुलपति महोदया ने भी उसी दृष्टिकोण और कुछ मायने में तो मुझे इनके दैहिक विमान चेहरे और सोच प्रभावित करते हैं कि ये विश्वविद्यालय जो तिलका मांझी भारत विश्वविद्यालय है, इससे भी बड़ी विश्वविद्यालयों को इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किए हैं और हमारे विश्वविद्यालय को हाल के दिनों में भी एक नेतृत्व का संकट आ गया। इनकी सिर्फ भरपाई ही नहीं हुई बल्कि लगता है कि तिलका मांझी भारत विश्वविद्यालय पर इसकी प्रकृति ने भी आशीष दिया है कि हमें ऐसे दैनिक कुलपति प्राप्त हुई हैं और हम उनका आभार के शब्दों में व्यक्त करें। वो आने के साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, छात्रों से जुड़ी हुई समस्याओं को जानने का प्रयास किया। मैं भी काफी दिन से विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूं, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे आने के साथ जो मुझे प्रभावित किया या दिल को छू गया कि आने के साथ आदिवासी छात्राओं की सूद लेना प्रारंभ किया हमारी माननीय कुलपति महोदया ने कि हमारे छात्र रह कैसे रहे हैं छात्रावास में, उनकी समस्याएं क्या है, हमारी बेटियां रह कैसी रही है। तो हमें लगा कि हमें कुलपति के साथ कभी कुलमाता भी मिले।